क्या एटीके के कोच स्टीव कॉपेल वेस्ट कर रहे हैं नुसैर एल मैमूनी जैसे टैलेंट को। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो ये वीडियो है नुसैर एल मैमूनी पर, जो कि एटीके के डिफेंसिव मिडफील्डर है, जिन्हें पूरे सीज़न में रेगुलर स्टार्ट्स नहीं मिली है। उन्हें सिर्फ अभी तक दो स्टार्ट्स मिली है और एटीके के कोच स्टीव कॉपेल उन्हें बिल्कुल भी ठीक तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, जिसको लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा चिंतित हूँ, क्योंकि नुसैर एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स है। और अब मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स नुसैर के बारे में बताऊँगा जो शायद आपको काफ़ी ज़्यादा शॉक कर दे। तो आइए बढ़ते हैं। तो गाइज, ये साल 2016 की बात है, जब स्पेनिश जायंट्स एथलेटिको मैड्रिड ने नुसैर एल मैमूनी को अप्रोच किया था। नुसैर ने एथलेटिको मैड्रिड की मेन स्क्वाड में जाने के लिए ट्रायल भी दिया था और साथ ही साथ न्यूज़ भी ऐसी आई थी कि नुसैर शायद एथलेटिको मैड्रिड को ज्वाइन कर ले, पर इवेंचुअली उन्होंने मोरक्कन क्लब को चुना और वे मोरक्को लीग में खेले। तो गाइस, अगर हम नुसैर एल मैमूनी के अकोलोडेशंस की बात करें तो वे तीन बार मोरक्कन लीग जीत चुके हैं और साथ ही साथ उन्होंने 2014 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप भी खेला है, जिससे पता चलता है कि उनके पास टैलेंट के साथ साथ एक्सपीरियंस नाम की चिड़िया भी है। मोरक्को में खेलते हुए भी वे मोरक्को के टॉप क्लब्स के लिए खेले और वे उनके लिए रेगुलर स्टार्टर्स थे। तो गाइस, अब आप क्यूरियस हो रहे होंगे कि वे मोरक्को के कौन से टॉप क्लब्स के लिए खेले हैं। तो गाइस, अनफॉर्चुनेटली मैं उनका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, पर मैं उनका नाम डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप श्योरली वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं उन टॉप मोरक्कन क्लब्स के नाम। अब मैं बात सिर्फ ISL की ही करना चाहूँगा। अभी थोड़े दिन पहले जब ATK वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का मैच हुआ, तब मैमूनी आए मैनुअल लैंजरोटे को रिप्लेस करने के लिए एज अ सब्स्टिट्यूट, और जब वे 10 से 12 मिनट के लिए सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड में खेल रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर हड़कंप मचा दिया था। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC की डिफेंस के दिमाग को हिला कर रख दिया था और उनके टांगों को झंझोड़ कर रख दिया था। अनफॉर्चुनेटली ATK के लिए उस मैच में एक भी गोल नहीं आया और वो मैच एंड हुआ निल निल ड्रॉ पर फिर भी मैमूनी का प्रदर्शन उस 10 से 12 मिनट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो ये कॉपिल के लिए एक वेकअप कॉल की तरह भी हो सकता है कि क्यों ना वे मैमूनी को सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड में यूज़ करे और लैंजा को विंग्स पर डाल दे, ताकि लैंजा के कंधे पर से भी क्रिएटिविटी का भार थोड़ा कम हो और मैमूनी, जो कि मोरक्को के टॉप क्लब्स के लिए खेल चुके हैं, एथलेटिको मैड्रिड जैसे स्पेनिश जायंट ने जिसे अप्रोच किया है, वे भी थोड़ा अपना एक्सपीरियंस और टैलेंट दिखाए और बताए सबको कि क्यों एथलेटिको मैड्रिड जैसे क्लब ने मैमूनी को अप्रोच किया था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना तो कतई भी मत भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय, पीस आउट।